नमस्कार, मैं हूं चुंखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरटीई में भ्रष्टाचार भौतिक सत्यापन के लिए मांगे 20,000, एबीयू के साथ पकड़े गए प्रधान अध्यापक। चुनौतियों से निपटे युवा लेफ्टिनेंट जनरल बी एम पाटिल ने दी नसीहत। नैतिक गिरावट पर बोले जनरल पाटिल, सेना भी समाज का, पनपती बुराइयों पर चिंतित है आला अफसर। आरएएस प्री परीक्षा 26 अक्टूबर को केंद्राध्यक्षों की मीटिंग में तैयारियों पर चर्चा। और समाचार विस्तार से, आरटीई में भ्रष्टाचार सुनने में थोड़ा अटपटा लगे लेकिन है 100% सच। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने आरटीई के तहत बच्चों की संख्या बताने के एवज में स्कूल संचालक से 20,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगराज सिंह पूनिया और प्रधानाध्यापक सर्जन सिंह को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चों को एडमिशन देने की रणनीति बनाई थी, जो आज भ्रष्टाचार की चपेट में है। आरटीई की आड़ में भ्रष्टाचार का धंधा परवान पर है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों प्रधानाध्यापक सर्जन सिंह को गिरफ्तार किया। जंक्शन स्थित रोजवेल स्कूल में कक्षा एलकेजी के कुल 45 बच्चे हैं। इस तरह 12 बच्चों को आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है, जब आरटीई के तहत भौतिक सत्यापन के लिए अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगराज सिंह पूनिया और प्रधानाध्यापक सर्जन सिंह से कहा गया तो उन्होंने 20,000 रुपए रिश्वत की राशि मांगी। स्कूल संचालक जसवीर सिंह ने इसकी सूचना एसीबी के अधिकारियों को दी। सभी स्कूलों में भौतिक सत्यापन करवा रही है आरटीई के पैसे देने के लिए गवर्नमेंट, तो इन्होंने इसी के एवज में भी आपकी फीस इतनी हम दे देंगे, नहीं दोगे तो हम कम कर देंगे, जबकि हम ले रहे हैं ओरिजिनल, वो भी पास नहीं कर रहे थे, उसके 25% मांग रहे थे, तो 30,000 रुपए उन्होंने मांगे थे उनसे, कागजों का बना करके, ये पूरे नहीं है, वो नहीं है, ड्राक के, तो हमने बात कर ली इनसे, तो 20% देने थे। इसमें जगराज जी पूनिया है, दूसरे क्या नाम, सुरजन सिंह जी, इन दोनों ने खूब उनको 2-3 सिखाया, पर हमने गंगानगर टीम से बात की और फिर इनको ट्रैप करवा दिए हैं रोजवेल स्कूल के अंदर। आज ये तय हुआ था कि आज लास्ट टाइम आ गया आपकी पैनल रिपोर्ट देने का, और आज आप रिपोर्ट ले जाओ और पैसे दे जाओ, पैसों के बगैर इधर से लो उधर से दो। कितना पेमेंट? 20,000 रुपए नगद दिए मैंने, जो रंगीन नोट थे, और यहाँ मतलब मौके वारदात पकड़े गए, 20,000 रुपए इनके पास पाए गए। श्यामदेव पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जसवीर सिंह के मुताबिक जिले में हर साल आरटीई के तहत 7 करोड़ की किस्तें आती हैं, इनमें काफी गड़बड़ झाला है, अधिकारियों की सेटिंग है। पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 करोड़ रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त उठी है यहाँ पे 7 करोड़ रुपए की, जो स्कूलों को फीस की वजह मिली है, जिसके अंदर लगभग इनकी सेटिंग है, लगभग इनके पैसे लेके काम किए हैं सभी पैनल, तो हम कोर्ट में भी जाने की कोशिश करेंगे और आम स्कूल है उनसे भी करेंगे कि इस तरह की दबे नहीं और सामने आके वो बातें रखें। रोजवेल स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका बब्बर ने भी अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अधिकारियों को पता था कि स्कूल संचालक आज नहीं है, इसके बावजूद वे जानबूझकर स्कूल आए और रिश्वत मांगी। आज आरटी के इंस्पेक्शन के लिए मेरे पास में एक कॉल आया और उन्हें पहले से ही पता था कि सर जो है आउट ऑफ स्टेशन है, तो उन्होंने मुझे अभी तक रोक के रखा हुआ है, और पहले तो वो आए 3 बजे के करीब, उन्होंने आके सारे फॉर्म्स वगैरह सब कागज़ वगैरह सब चेक किए, और उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं है, जबकि सब कुछ कंप्लीट है, और फिर भी उन्होंने मेरे से जो है रिश्वत मांगी कि आप मुझे पैसे दो, जबकि सर यहाँ नहीं है, जान करके उन्होंने ये किया, प्रेशराइज किया मुझे कि मेरे को 20,000 रुपये रिश्वत चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP आनंद स्वामी के मुताबिक शिकायत मिलने पर इसकी पुष्टि की गई और शक पुख्ता होने पर कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। इस दौरान प्रधानाचार्य सर्जन सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगराज सिंह पूनिया को उनके आवास से पकड़ा गया। ये जसवीर सिंह है, प्राइवेट स्कूल से रहता है, बोमपुरा गांव के अंदर, श्यामदेव पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम। तो इसके जो आरटी के अंदर छात्र होते हैं, इसके स्कूल में 45 छात्र हैं एलकेजी में, तो उसके 25% जो है उसका सरकार अनुदान देती है बच्चों का, तो इसके कुल 12 छात्र हैं जिनके 10,000 फीस के हिसाब से 1,20,000 रुपये इनके बने। जसवीर सिंह हमारे पास में 21 तारीख को आए गंगानगर में, और मेरी एप्लीकेशन लगाई इसने कि सब जो नोडल अधिकारी हैं दो, एक तो जगराज जी पूनिया है और दूसरा नाम है सुरजन सिंह हैं, जो हेडमास्टर हैं यहाँ पालीवाल ढाणी के अंदर। ये मेरे छात्रों की अनुशंसा करने के लिए 25% 30,000 रुपये मांग रहे हैं,
फिर हम सत्यापन करवाया, इन दोनों से बात करवाई, तो इन्होंने आज 20,000 रुपये में सौदा तय कर लिया और आज ही शाम को बोलाया कि आप मुझे पैसे दे जाओ, मैं आपकी रिकमेंड करके भेज देता हूँ। तो उस पर आज हम लोग आए, इनको यही बात की, तो इनका सर मैं यहाँ रोजवेल स्कूल यहाँ मिलूँगा आपको, रोजवेल स्कूल मिला, वहाँ से हमने भेजा। तो इसने सुरजन सिंह ने जो 20,000 रुपये ले लिया अपनी जेब में रख लिए, वहाँ हमने शूट टैप कर लिया। इसे पूछा तो इसने बताया सब हम दोनों ही जो सिग्नेचर करके भेजे हैं, वो दोनों का हमारा हिस्सा है, और उनको जो जगराज पुनिया है उनको घर से गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीएम पाटिल ने देश की मौजूदा स्थिति पर नाखुशी जताते हुए कहा कि यह चुनौती का वक्त है और इसमें युवाओं को आगे आने की जरूरत है। पाटिल ने कहा, जिस देश के युवा परिपक्व होंगे वहां पर कोई समस्या नहीं टिकेगी। देश के सामने है बेशुमार चुनौतियां, आखिर कैसे निपटेंगे इन समस्याओं से? इन सवालों पर मंथन के लिए हुआ राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में सेमिनार, भारत में सैन्य सुरक्षा, इसी विषय पर आधारित था सेमिनार। लेकिन जब बातें आई तो सिर्फ सैन्य सुरक्षा को लेकर नहीं बल्कि और भी कई चुनौतियों पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करने पहुंचे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीएम पाटिल। अध्यक्षता की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. पीएल चतुर्वेदी ने, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सरमन सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन किया प्रोफेसर राम सिंह रामावत ने। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी ने आभार जताया। मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल वीएम पाटिल ने कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, इनमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, माओवादी, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार प्रमुख है। हमें इनसे निजात पाने की कोशिशों में जुटने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत विरोधी बताते हुए कहा कि शरीफ की पृष्ठभूमि को देखने पर पता चलता है कि उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरह भारत के खिलाफ साजिशें रची। पाटिल के मुताबिक चीन दुनिया का नंबर वन बनने की होड में है और उसे खतरा है तो सिर्फ हिंदुस्तान से, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो चीन को पटखनी देने में सक्षम है। यही वजह है कि चीन भारत को अस्थिर करने की फिराक में है। चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर सैनिक गतिविधि बढ़ना खतरनाक संकेत है। जय पाटिल ने कहा कि देश के सामने अंदरूनी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आज 7 प्रदेशों के 78 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें 68 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय कानून प्रभावी नहीं है, यानी नक्सलवादी ही शासन का संचालन कर रहे हैं। आतंकवाद पर चर्चा करते हुए जनरल पाटिल ने कहा कि इसे जड़ से नष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद की आग ने हमारे 2 प्रधानमंत्रियों को आगोश में ले लिया है। पाटिल ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद हिंदुस्तान सुरक्षित इसलिए है कि हमारे पास मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसके बूते पर हम तमाम चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। भारत के 3 बड़े शक्ति, एक लोकशाही, एक डायवर्सिटी या विभिन्नता और एक अपना आवाम। इस आवाम में दुनिया के तमाम जाति एक के साथ शांति से रह रहे हैं भारतवर्ष में पिछले 5,000 साल से। हम 16
जागृत जनता 120 करोड़ ये कोई कमी नहीं है और इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा 650 लाख युवा तरुण या तरुणियां 18 से 35 साल के बीच में है, महत्वाकांक्षी है, ज्ञानी है और इंपेशेंट है, यानी आगे बढ़ने के लिए तरक्की करने के लिए। अब इन दोनों को 24/7 दिन रात सपोर्ट करके सब गलत काम पर निगाह रखने के लिए हमारे पास पत्रकार या मीडिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर पीएल चतुर्वेदी ने सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उस वक्त देश की स्थिति दुनिया में बेहतर थी, लेकिन मौजूदा स्थिति पर संतोष प्रकट करना कठिन हो रहा है। हमने 1998 में दूसरे का मन का विस्फोट किया और प्रयोग का, उस समय संपूर्ण सेना के द्वारा उसमें योगदान दिया गया था। जो हमारे राष्ट्रपति रहे कलाम साहब अब्दुल कलाम साहब वो प्रमुख विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक विशेषज्ञ जिनके नेतृत्व में वो आणविक परीक्षण हुआ था। अमेरिका के द्वारा चुनौती दी गई थी, मैं शब्द कह रहा हूं चुनौती दी गई थी कि यदि भारत अपने दुस्साहपूर्ण कृत्य से बाहर नहीं आएगा तो अमेरिका को विवश होकर के उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, जिन प्रतिबंधों के कारण से भारत की संपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। किंतु तत्कालीन नेतृत्व था, जिस तत्कालीन नेतृत्व में अमेरिका की जैसी शक्तियों को चुनौती दी थी, भारतीय जन बल भारतीय सैन्य बल इतना सशक्त है कि हम उनके आधार पर संपूर्ण विश्व की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे और हम उस प्रकार से अत्यधिक आधुनिकतम शस्त्रों को साधनों को प्राप्त करने के लिए अपने वैज्ञानिक प्रयोगों को करते रहेंगे ताकि यह देश सुरक्षित रह सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा अमेरिका और संपूर्ण पश्चिमी देशों की वो सारी धमकियां धाराशाही हो गई और भारत के खड़े होकर के अपने वो विजय बंधु की बजाई थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सरबन सिंह ने कहा कि देशभक्ति की लौ को हमेशा दिलों में प्रज्वलित रखने की जरूरत है, क्योंकि देश है तो हम हैं, यह भाव याद रखें। इसलिए सच्ची कहा है कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी पाने वाले बड़े होते हैं, दरार बड़ी नहीं होती, दरार भरने वाले बड़े होते हैं। इतिहास के पन्नों पे लिखा है रिश्ते बड़े नहीं होते, रिश्ते निभाने वाले बड़े होते हैं। और ये रिश्ता आप युवा निभाएंगे, आप युवाओं को दृढ़ संकल्प एक कमिटमेंट लेना होगा। सेना में नैतिक गिरावट चिंता का कारण है, इससे सेना के आला अधिकारी भी चिंतित हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीएम पाटिल ने स्काई चैनल के साथ खास बातचीत में कहा कि इन बुराइयों को दूर करने की दिशा में ठोस पहल हो रही है। सेना में अब पहले जैसी बात नहीं रही, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की घटनाएं खूब सामने आ रही है। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार? स्काई चैनल के सवाल पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीएम पाटिल के माथे पर सिलवटें देखी गई, वे अचानक गंभीर हो उठे। पाटिल ने कहा कि सेना भी समाज का अंग है, समाज में चल रही उठापटक का असर सेना पर भी पड़ता है। सेना कोई हेवन से या बाहर से नहीं आई, सेना हमारा समाज का रिफ्लेक्शन। अगर हमारा समाज में, हमारे राजकारण में, हमारे प्रशासन में अगर कमियां आ गए, उसका रिफ्लेक्शन सेना में भी, इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी समाज के प्रोडक्ट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, गलत बात है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सब ठीक है, ये भी गलत है।
कई मतलब कमियां आए हैं, नजर आए हैं, उस पर सेना गंभीर पना से विचार कर रही है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए। अगर एक आदमी या एक घटक गलती किया और उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई हम लेना चाहिए, फिर सरकार और उसमें राजकीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जनरल पाटिल से जब पूछा गया कि आखिर एक तरफ हम चीन से खतरा महसूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मार्केट में चाइनीज वस्तुओं की बिक्री बढ़ रही है, यानी दूसरे रास्ते से हम चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, आखिर यह क्या है, पाटिल ने कहा कि इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। उत्पादकता में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसके लिए पाटिल ने देश की मौजूदा आर्थिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता जताई। चुनौतियां और समस्या ये है कि पिछले 3 या 4 साल से देश में आर्थिक मंदी बढ़ गई है। इसके वजह यह है कि जो कहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस, भ्रष्टाचार के इतने स्कैम्स जनता के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए हैं, उससे सरकार कोई आर्थिक पॉलिसी पर निर्णय लेने के लिए नाकाम रही है, ये हकीकत है। और जब तक आर्थिक पॉलिसी पर आप निर्णय नहीं लेंगे और आर्थिक सुधारणा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं उसको नहीं लाएंगे, हमारा आर्थिक मंदी बढ़ते जाएगा। जैसे आप जानते हैं इस साल हमारा जीडीपी पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट 4.8%, और उसमें मई में अपना प्रोडक्शन 2.8% हुआ था। इस हालत में पिछले 3 साल में नए पॉलिसी नहीं आए हैं, नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू हुए हैं प्रकल्प, और नए जॉब्स नहीं क्रिएट हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आम चुनावों में किसकी सरकार बन रही है या बननी चाहिए, तो चौंके जनरल वीएम पाटिल, झट से कहा यह तो जनता जाने। हमें क्या मालूम, आपके ऊपर है, ये चुनाव होने दो, जनता लाएगी जो ही आएगी। मतलब एक है, हमें सरकार को दोष नहीं दे रहे, जो ही आएगा हम समझते हैं कि वो देश के हित में काम करेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर पीएल चतुर्वेदी ने कहा कि देश के सामने चुनौतियों का अंबार है, इससे युवा ही निजात दिलाने में सक्षम है, इसलिए हम देश में घूम घूम कर युवाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, मैं बहुत संक्षेप में बात करूं तो उन चुनौतियों के अंतर्गत एक तो हमारे पड़ोसी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की सीमाओं से हम पर निरंतर अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया जाता है। चीन और पाकिस्तान के द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण, अपने सैनिकों को या इस प्रकार के लोगों को भेजा जा रहा है, ये अनेक वर्षों से चल रहा है और गत 2 वर्षों में ये गतिविधियां उनकी बढ़ी हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के अपने निहित स्वार्थ हैं। भारत शांति चाहता है किंतु फिर भी वो उसमें विघ्न डालता है। दूसरी ओर चीन चाहता है अपने साम्राज्यवादी विस्तार, अपने प्रभाव के लिए, तो वो नेपाल के माध्यम से माओवादी तत्वों को भेजता है और देश में अराजकता पैदा कर रहा है। साथ ही साथ देश में जो नक्सलवाद है उन और माओवादियों के लिए वो शस्त्रास्त्र भी भेजते हैं। तीसरी चीज़, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों से आतंकवादी आ रहे हैं, वो आतंकवादी देश में शांति भंग करने के लिए स्थान स्थान पर बम प्लांट करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में इस प्रकार के कुछ तत्व जो अपने धर्म के नाम पर या अन्य किन्हीं आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होकर के वो उनका सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, और हम गत कम से कम 20 वर्षों से तो हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े आतंकवादी इस देश में आए और अपने आतंक की गतिविधि करके वापस चले गए। इस कारण से हमारे मन में ये बात आई कि हमको देश में इस सृष्टि से चेतनता, जागृति पैदा करनी चाहिए। मुख्य भाग क्योंकि युवकों का है, युवक
इस देश का 65% भाग आज बन रहे हैं, इन युवकों को आगे का नेतृत्व भी संभालना है, तो उनमें चेतनता और जागृति पैदा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम राजस्थान में सबसे पहले लिया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक की परीक्षा 26 अक्टूबर को होगी। जिले में 8400 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी बी एल मेहड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक, इसमें कई निर्णय किए गए। आरएएसपी परीक्षा को लेकर इस बार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने टेम्पर प्रूफ थैलियों में ओएमआर शीट को सीलबंद करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी केंद्राधीक्षकों को यह थैली परीक्षा सामग्री के साथ वितरित की जाएगी। थैली को सीलबंद करने के लिए एक अनब्रेकेबल सील भी साथ में होगी, जिसे सावधानी पूर्वक लॉक करना होगा। एक बार लॉक करने के बाद फिर से खोलना संभव नहीं होगा। इससे पूर्व उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा के बाद सामान्य लिफाफे में गोंदनुमा चपड़ी से सील करके आयोग को भेजा जाता था। परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने इस बार यह प्रयोग करने का निर्णय लिया है। एडीईओ माध्यमिक मोहनलाल स्वामी ने बताया कि इस नई व्यवस्था से परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता के साथ पारदर्शिता भी आएगी। शुक्रवार तक जिला मुख्यालय पर परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र भी मुहैया करवाने को लेकर आयोग ने जिला प्रशासन को सूचित किया है। जिला मुख्यालय पर प्री आरएएस परीक्षा 26 अक्टूबर को होगी। तैयारियों को लेकर गुरुवार को केंद्राधीक्षकों की बैठक रखी गई। कलेक्टर सभागार में हुई बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने 4 डिप्टी कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है। प्रश्न पत्रों के वितरण से लेकर उन्हें आयोग तक भेजने की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई है। नकल की रोकथाम के लिए 3 उड़न दस्ता टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा हर परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। टाउन में जंक्शन में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें टाउन में 9 तथा जंक्शन में 15 परीक्षा केंद्रों की स्वीकृति मिली है। परीक्षा में 8400 अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करवाने के लिए एडीएम बीएल मेहड़ा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों का जाप्ता भी परीक्षा केंद्रों पर लगाया जाएगा। समाचार अभी और देखने दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडी
और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। दीपावली की आहट के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने की कवायद में जुट गया है। इसके तहत डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सुनील विद्यार्थी के नेतृत्व में टीम ने नोहर स्थित सत्यम सीलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर एक बार फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नजर है। दीपावली पर मिठाइयों की बढ़ती डिमांड के कारण विभाग ने इसकी शुद्धता पर खास ध्यान दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह के निर्देश पर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सुनील विद्यार्थी व स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम वर्मा आदि ने नोहर स्थित सत्यम मिल्क सीलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। वहां पर उन्होंने कुछ खामियां देखी जिन्हें दूर करने की हिदायत दी। आज मैं नोहर में जो सत्यम चिलिंग प्लांट है दूध का, मिल्क का, उसका सामान्य हमारा निरीक्षण था। विजिट के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि ये लोग जो हाइजीनिक कंडीशन है यानी उनमें कितनी साफ सफाई है उसको देखने के लिए ही हम लोग उसका निरीक्षण करने के लिए आज हमारी टीम आई हुई है। हमारे साथ हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हरिराम वर्मा साहब हैं और दीपक जी हैं जो कि केमिस्ट हैं हमारे, और हम लोग उसको देखते हैं पूरा कि ये जो उनकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है और उसमें क्या क्या खामियां हैं। अगर कोई खामियां हैं तो उसको इनके सामने हम लेके आते हैं, उसको उजागर करते हैं, और अगर कोई हमें कोई मेजर फॉल्ट लगता है कि यार इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा कमी है तो उसको हम सैंपल लेके और अपनी जांच के लिए जयपुर भिजवाते हैं। फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से फिर इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो अभी चूँकि हमने देखा इनकी जो प्रक्रिया हो रही है वो दूध आता है, क्योंकि गांव गांव के अंदर जो है वो कलेक्टिंग सेंटर है वहाँ से आता है दूध, और फिर इसके बाद ये लोग उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, अवशीतलन जिसको बोलते हैं, और उस अवशीतलन करने के बाद में ये इनके टैंकर से जिसमें लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, और वो यहाँ से डेयरी में संबंधित जो भी है वहाँ पे लोग भिजवाते हैं। तो इनकी जो प्रक्रिया है उसमें मुझे लगा कि ये जो लोग साफ सफाई कर रहे थे उसके इनके जो हैंटर्स है उसको वहाँ पर पानी के छींटे जो है उस दूध में से आ रहे थे, तो इसके लिए इनको हम लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई वहाँ पे वो लोग थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें, और वो जो एक का फिल्टर होके आया नीचे जो कुछ फिल्टर में आया उस फिल्टर को ये लोग हटा नहीं रहे थे, तो इसको हमने इन लोगों को निर्देश दिए कि भाई उसको समय समय पे हटा दें जिससे कि जो साफ आ रहा है दूध वो उसके साथ मिक्सअप नहीं हो, तो इस चीज के लिए हम लोगों ने इसको निर्देश दिए हैं। डॉक्टर सुनील विद्यार्थी ने कहा कि दीपावली पर शुद्ध मिठाइयों की बिक्री हो इसके लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वे विभाग को सूचित कर सकता है। मिठाई का और त्योहारों का हमारे देश के अंदर चोली धामन का साथ है सर, आप सब जानते हैं, हमारे देशवासी सब इस बात को जानते हैं कि जो मिठाई है वो खाली एक चीज नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, मिठाई उल्लास का नाम है, मिठाई त्योहार का नाम है, मिठाई खुशी का नाम है। हमारे देश के अंदर जब भी कोई त्यौहार ऐसा आता है तो हम लोग कहते हैं अरे यार मुंह मीठा नहीं कराओगे क्या, लेकिन जब काउंटर पर जाके वो मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेके आते हैं उसके अंदर की जो सच्चाई है हम लोग उसको उजागर करके देख रहे हैं कि उसमें कितनी खराबी है और उसमें क्या चीज़ है, उसमें सुधार आए और वो लोगों की सेहत के लिए कोई खराब नहीं हो ऐसा हमारे सीएमएचओ, हमारे रिस्पेक्टेड सीएमएचओ श्रीमान डॉक्टर एसपी सिंह का यही निर्देश है हमारे लिए। विद्युत निगम कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया है। अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते तकनीकी कर्मचारियों ने अब सब स्टेशनों पर नहीं लगाया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। टाउन स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने तकनीकी सहायकों को सब स्टेशनों पर लगाने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की मनमानी के चलते आदेश की पालना नहीं की जा रही। तकनीकी कर्मचारियों से मंत्रालय काम करवाने पर कर्मचारी नाराज हैं। इससे सभी कर्मचारियों को संबंधित सब स्टेशनों पर नियुक्ति नहीं देने से कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है।
प्रबंध निदेशक महोदय ने 19/8/2013 को तकनीकी कर्मचारियों से मंत्रालय कर्मचारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान कार्य न करवाने के लिए ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन आज तक निगम प्रशासन और यहाँ सहायक मतलब अभियंता महोदय व अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा उस ऑर्डर की पालना नहीं करवाई गई है, जिसके खिलाफ आज धरना दिया जा रहा है। और पिछले वर्ष दिवाली को जो निगम तकनीकी कर्मचारियों द्वारा ओवर टाइम दिया जाना था, दिवाली पे ओवर टाइम किया था, वो अभी तक नहीं दिया है, उसके प्रति भी रोष व्याप्त है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही विद्यार्थी भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। विद्यार्थी रैली व अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से आमजन को मतदान का संदेश देने में जुटे हैं। नोहर स्थित गार्गी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने गुरुवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली महाविद्यालय प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें छात्राओं ने मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाए। स्लोगन के माध्यम से छात्राओं ने स्वस्थ लोकतंत्र का आधार जागरूक मतदाता, अधिकाधिक मतदान करने, भ्रष्ट व अपराधी को वोट न देने व स्वच्छ छवि वालों को वोट देने की अपील की। धान की फसल के हॉपर रोग की चपेट में आने से किसान काफी परेशान हैं। महामारी के रोग की तरह यह रोग एक खेत से दूसरे खेत में फैल रहा है। हॉपर रोग बढ़ने के कारण धान की फसल 15% तक खराब हो चुकी है। यह रोग एक खेत से दूसरे खेत में फैल रहा है, इससे किसानों में चिंता है। वहीं कृषि विभाग सतर्कता से जुट गया है। हॉपर एक विशेष तरह का कीड़ा होता है जो नमी वाले स्थानों पर लगने वाली फसल में पनपता है। यह रोग जगह छोड़कर फसल दर फसल बढ़ता है, इससे चावल का दूध सूखने लगता है और पौधा लेट जाता है। शुरुआती समय में ही इस रोग पर नियंत्रण जरूरी है। जिले के घग्गर बेल्ट में धान की खेती अधिक होती है। यह रोग भी घग्गर बहाव क्षेत्र में है। जिले में लगभग 22,000 हेक्टेयर में चावल की खेती की जाती है। नवम्बर में फसल की कटाई का समय निकट आने से किसान चिंतित है। ये ऊपर नाम का कीट होता है, ये तने के अंदर, इसका तने का जो जूस है जड़ से थोड़ा सा ऊपर ये चूसता रहता है, इससे तना हो जाता है कमजोर। ना तो ये फसल पकाव में होती है, ना ये कच्ची होती है। फसल धीरे 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 वो तना कमजोर होती गिरने लगती है। ना इसका कोई लास्ट टाइम पकने के और लास्ट स्टेज में आती है। इसे 10-15% यानी कि नुकसान है जमींदारों को इस फसल से। कम झाड़ देती है 15%। इस बार ज़्यादा है, आती रहती है वैसे तो, पर ये इस बार ज़्यादा है। राजस्थान सरकार को इसका सर्वे करवा के मुआवजा देना चाहिए नाली बेल्ट में। लंबे समय से घोसा कॉलोनी में पीने वाले पानी की पाइप के लीक होने के कारण वार्ड के लोग डेंगू व मलेरिया की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा ने जलदाय विभाग से जल्द ही समस्या के निराकरण की मांग की।
जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 14 खोसा कॉलोनी के लोग जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। वार्ड में 3 महीने से पीने वाले पानी की पाइप लीक हो रही है, लेकिन जलदाय विभाग इस और कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिस कारण वार्ड में अभी तक 4 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं और आधे से ज्यादा लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। पानी की पाइप लीक होने से आसपास के खाली मैदान और गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिस कारण वहां मक्खी मच्छरों का हब बना हुआ है। पाइप लीक होने के कारण पीने का पानी भी गंदा आ रहा है, जिससे सारा वार्ड बीमारी की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर कई बार वार्ड के लोगों ने जलदाय विभाग के अक्सियन एन व जेएन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस कारण वार्ड के लोग बहुत परेशान हैं। पानी है ना, पानी पीना रहा, आज के पाइप टूटी पड़ी है की समस्या है, एकदम गंदा पानी आता है और मच्छर मच्छर खड्डा भरिया पड़ा है, चारों में निकलने जगह को नहीं, पानी मोटर चलार भरते हैं तो कोरो गंदो पानी आता है, फिर पानी कहाँ से लेवा, मैं कहाँ से लेवा है, कुआलन जाके कहूँ तो क्या आप जाके लिख के दो नगर पालिका में, नगर पालिका वाले कहते हैं तो भाई हम क्या करें, इतना पानी भरा पड़े और मच्छर मच्छर हो रहे हैं, मोहल्ला का थोड़ा बहुत सुधार करो, सब पाइप टूटी पड़ी है पानी के लिए, सब दुनिया यही कह रही है कि पानी टूटा पड़ा जगह जगह, कोई पीने के पानी की समस्या, गंदा पानी आता है और गंदा पानी आता है तो दुनिया बीमार होती है और सब गर्म बुखार हो रहा है, सब जगह मच्छर हो रहे है, अब क्या करें, किस किस को कहे, अगर वहाँ कहे तो कहो उसको एप्लीकेशन दो, उसको दो, किसको दे, कोई सुनाई नहीं करता हमारी, गंदा पानी आ रहा है पाइपों में से और ये पीने के लिए मिलता है हमें, इनसे बहुत बीमार हो गए हम, साथ में पड़ोसी भी परेशान है, रात को हमने अगर बाहर निकल जाए तो मच्छर नहीं जीने देते साहब, बहुत ज्यादा यहाँ बीमारी की अवस्था फैलने की वाह हो रही जी, और डेंगू मच्छर बार बार आ रहे जी, 3 दफे तो हम बीमार हो गए, हमारा परिवार बीमार हो गया। इस मौके पर नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा ने बताया कि आज जलदाय विभाग के एएन ने कल तक समस्या के समाधान करवाने का भरोसा दिलाया है, अगर कल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो परसों से वार्ड की महिलाएं जलदाय विभाग के कार्यालय में जाकर मटका फोड़ प्रदर्शन करेंगी। वार्ड नंबर 14 के खोसा कॉलोनी के अंदर एक पाइपलाइन 3 महीनों से लीकेज है, एक्शन साहब को कह दिया, एजेंट को कह दिया, जेएन को कह दिया, लेकिन अफसरों की कोई सुनाई नहीं है। अब एजेंट साहब जो अभी बात की थी वो कल करवा देंगे, कल नहीं कराया तो परसों हमारे वार्ड की महिलाएं वहां पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगी, और इन मोहल्ले में 4 लोगों को डेंगू हो गया और 15-20 को मलेरिया का बीमारी होगी, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, अगर कल ये पाइपलाइन ठीक होगी तो ठीक है, नहीं दोबारा चेतावनी है, परसों हमारे मोहल्ले के लोग जाके वहाँ एक्शन साहब घेराव करेंगे, वहाँ मटका तोड़ प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार, नमस्कार।